जब भी अप्रैल मई का मंथ आता है कहीं ना कहीं क्रिकेट लवर्स को एक फीवर चढ़ जाता है आईपीएल का, जिसका अपने आप में पोटेंशियल जो है वो 300 मिलियन यूएस डॉलर्स का है। वहीं अगर आप देखोगे तो F1 से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो माना जाता है कि 2027 तक मोटर स्पोर्ट्स के वजह से महज 13 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में कहीं गुना ज्यादा है। आखिर क्यों भारत जैसी कंट्री जहां पर इंडिपेंडेंस से पहले गाड़ियों का चलन जो है वो देखने को मिलता है, वहीं आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री या फिर आप पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को देखोगे जो कहीं ना कहीं कैमल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे, वो F1 जैसे फॉर्मूला 1 जैसे रेसिंग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर पाने में कामयाब हुए हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इसका इतना ज्यादा मार्केट साइज है, तो फिर आपको क्या लगता है आखिर भारत आजाद होने के 75 साल बाद भी हम मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आप देखोगे तो GDP के कंटेक्स्ट में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहीं रोड नेटवर्क की बात कर ले तो भारत दूसरे पायदान पे आता है, और साथ साथ में कार मार्केट की बात कर ले तो चौथे पायदान पे आता है। टू व्हीलर्स की बात कर ले तो आपको पता होगा भारत जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी है, और हमने कई सारे बाइक्स जो है वो आपने देखे होंगे कि सक्सेसफुली हमने उसको बना करके भी दिए हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड और साथ साथ में आपको बजाज जैसी कंपनी देखने को मिल जाएंगी। इसके बावजूद भी कि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम डेवलपिंग इकोनॉमी में आते हैं, स्टिल हम मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। वहीं थाईलैंड में आप देखोगे तो MotoGP नाम का इवेंट होता है, वहीं ब्राजील में आपको देखने को मिल जाएगा कि F1 जिसका लास्ट संस्करण जो है वो UAE में हुआ था, और इसी के साथ साथ में सऊदी अरेबिया में डकार कार रैली भी काफी मशहूर है। तो आपको क्या लगता है कि जो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है क्या उस कंट्री में मोटर स्पोर्ट्स लवर्स नहीं है? तो ऐसा नहीं है। 2019 के नीलसन सर्वे के हिसाब से भारत उन कंट्रीज में है जो टॉप 5 आपको देखने को मिल जाएगा कि फैन फॉलोइंग है यहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो इस इवेंट को सीखना भी चाहते हैं और साथ साथ में इसमें बहुत ही ज्यादा महारत भी हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ से सिर्फ आपको एक नारायण कार्तिकेयर ही देखने को मिलेंगे। F1 जो कि 5th बिगेस्ट स्पोर्ट है विश्व भर में, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर भारत इसको जुड़ नहीं रहा है तो ये भारत के लिए इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी नेगेटिव है, और साथ साथ में टूरिज्म, क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं देखने के लिए तो वो भी नहीं आएंगे, और भारत अपने आप में टूरिस्ट हब है, तो अगर हम टूरिज्म के कंटेक्स्ट में भी जोड़ेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। व्हाई मोटर स्पोर्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया? तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस से पहले भी आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत में मोटर स्पोर्ट्स का चलन था। 1904 में आपको द मोटर स्पोर्ट यूनियन ऑफ वेस्टर्न इंडिया देखने को मिलेगा, जिसने पहला मोटर रेस मुंबई से दिल्ली के बीच में कंडक्ट कराया था। भारत में हम देखें तो 1930 तक हम इम्पोर्ट करते थे इन गाड़ियों को, और 1940 आते आते हम जॉइंट वेंचर्स में इन गाड़ियों को मैन्युफैक्चर भी करने लग गए थे। आइए जानते हैं कि फिर जब इतना सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक से क्या हुआ था। साल 2011 में पहली बार Formula 1 रेसिंग कार इवेंट होता है भारत में, और ये ग्रेटर नोएडा में कंडक्ट कराया जाता है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, और इससे जो रेवेन्यू आता है उसको लेकर के टैक्स डिस्प्यूट बन जाता है। कारण ये है कि आगे चल करके उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको एंटरटेनमेंट टैक्स के कैटेगरी में डाल दिया था, क्योंकि हम इसको मोटर स्पोर्ट को स्पोर्ट नहीं मानते थे। इस वजह से इस पर 60% का टैक्स लगाया गया, जो कि देने में हिचकिचाहट होने के वजह से 2013 में बाय बाय भी कर दिया गया इस इवेंट को। तो आखिरकार बाकी कंट्री सक्सेसफुली इस इवेंट को कैसे करा सकते हैं और भारत उस चीज को करा पाने में विफल क्यों हुआ? तो इसके पीछे का कारण आप जानोगे तो FMSCI नामक एक बॉडी है जिसको आगे डीरेगुलेट नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महज एक क्लब तक सीमित रह गया, और आगे चल करके जब भारत सरकार ने 2015 में मोटर स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स स्टेटस दिया तब इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का पार्ट बनाया गया। तो आइए जानते हैं अभी का वर्तमान स्टेटस क्या है मोटर स्पोर्ट्स का। तो जैसा कि आपको पता होगा इस साल का Formula E इवेंट जो है वो हैदराबाद में देखने को मिलेगा, जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है। तो शुरुआत तो हमने कर दी है, लेकिन काफी कुछ करना अब भी बाकी है। जैसे कि आप देखोगे तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसे जो भी स्पेयर पार्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स रेट है उसको कम करना चाहिए, साथ साथ में वैसे मैन्युफैक्चरिंग हम कर सके इसको लेकर के कंपनीज को प्रोत्साहन देना चाहिए, और इसके साथ साथ में वैसा इंफ्रा डेवलप करना होगा कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ हैं, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो इसके तरफ लुक्रेटिव फील करें, और साथ साथ में कहीं ना कहीं वैसा हम टूरिज्म हब बना सकें। तो ये स्पेशल वीडियो हमारे उन स्पेशल व्यूअर्स के लिए है जो इस स्पेशल मोटर स्पोर्ट से रिलेटेड रखते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आपको जरा भी दिलचस्पी लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा तो प्लीज हमारे को प्रोत्साहन देने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन पे भी जरूर अपने व्यूज को साझा करिए, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए कि हम ऐसे ही कॉन्टेंट आप सब तक लेकर के आते रहें। थैंक यू। जय हिंद।